नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक करंट अफेयर्स के साथ जो कि बेस्ट है 31 दिसंबर 2020 के ऊपर, साल का आखिरी साल का आखिरी दिन के ऊपर, आखिरी दिन 2020 के आखिरी दिन के ऊपर आज करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि बेस्ट होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के रहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने इनॉग्रेट किया है भाऊपुर खुर्जा फ्राइट ईस्टर्न फ्राइट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जिसको EDFC बोल रहे हैं, उसको किसने इनॉग्रेट किया। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया है जो कि भोपुर खुर्जा सेक्शन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, उसको इनोग्रेट किया। इससे होगा क्या, जो कि ये उत्तर प्रदेश में इनोग्रेट हुआ है दोस्तों भाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये 351 किलोमीटर का सेक्शन है जिसका लागत आया है 5,750 किलोमीटर करोड़ का, उस लागत के तहत इसे बनाया गया। और ये एक ओपन एवेन्यूज कर देगा लोकल इंडस्ट्री को, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएंगी, लोकल इंडस्ट्री ग्रो करेंगे वहां पर क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हो जाएंगे, तो इसके वजह से ये हुआ। उसके साथ ही मोदी जी ने एक और काम किया कि ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर OSC जो कि प्रयागराज में इसको इनॉग्रेट किया, और यही कमांड सेंटर रहेगा इस पूरे फ्राइट कॉरिडोर के लिए, प्रयागराज से ही ये ऑपरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडेड इन द ईयर कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1966 साल में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था। आपको पता है सेरम इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, बहुत नाम सुने क्योंकि यही डेवलप कर रहा है वैक्सीन, बहुत अलग अलग टाइप का वैक्सीन, और इसको छोड़ के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, तो इसको छोड़ के कोई वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में भी, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसके रिलेटेड जो हमारा करंट अफेयर्स है वो क्या कह रहा है कि इंडिया ने लॉन्च किया इंडिजिनियस न्यूमोनिया वैक्सीन जिसका नाम रखा गया न्यूमोसिल, डेवलप बाई SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया, फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट न्यूमोनिया 28 दिसंबर 2020 को। ये जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV है वो उसका नाम रखा गया न्यूमोसिल, और पुणे बेस्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके साथ कोलेबोरेशन हुआ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, और साथ में पाथ एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये टोटल तीन लोग मिलके, तीन कंपनी मिलके इसको प्रोवाइड करें। वैक्सीन जो होगा प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट 10 वेरिएंट्स ऑफ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, 10 वेरिएंट्स ऑफ न्यूमोकोकस और बैक्टीरिया जो उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि आपका न्यूमोनिया हो गया, ईयर हो गया, मेंजिनिटिस हो गया, ब्लड इन्फेक्शन चिल्ड्रन में हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको, न्यूमोकोकल जो डिजीज है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट वर्ल्ड वाइड है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली किस बैंक ने एक्वायर किया है स्टेक इन EdTech, एड मतलब एडुकेशनल टेक प्लेटफॉर्म माई क्लासबोर्ड एडुकेशनल सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ICICI बैंक ने 9.09% का एक स्टेक एक्वायर कर लिया है। अब जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है ICICI बैंक, ट्यूजडे उसने क्या किया कि 9.9 अनाउंस किया कि 9.09% का स्टेक एडुकेशनल टेक्नोलॉजी जो कि माय क्लासबोर्ड एडुकेशनल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है उसका जो कंसिडरेशन होगा 4.5 करोड़ का उसको एक्वायर कर लिया है। आपको बता दें कि ये जो स्कूल मैनेजमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको जो माय क्लासबोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशन है स्कूल और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है उसने रिपोर्ट किया था कि मतलब उसमें रिपोर्ट हुआ था कि टर्नओवर 12 करोड़ हुआ उसका इन द फिस्कल ईयर 2020। तो ये जो कोविड के वजह से जो हम लोग सब कोई घर में आ चुके थे तो उसमें जो एडुकेशन सिस्टम ठप पड़ा था तो उसको अल्टीमेटली बूस्ट दिया किसने, इस सॉल्यूशन ने दिया, और उसके वजह से इसका टर्नओवर 12 करोड़ का हुआ था इस साल में क्योंकि वर्क फ्रॉम होम स्टडी फ्रॉम होम का चीजें चलने लगी थी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे एवरी ईयर कब मनाया जाएगा, तो वो होगा 27 दिसंबर को, हर साल 27 दिसंबर को इस दिन को मनाया जाएगा। और इसी साल ये रिजोल्यूशन पास किया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में दोस्तों, जो कि हर साल ये मनाया जाएगा 27 दिसंबर को। और इसका जो इंपॉर्टेंस है क्या है, प्रिवेंशन ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर एंड पार्टनरशिप अगेंस्ट एपिडेमिक्स, जो एपिडेमिक्स जैसे कि मान लीजिए COVID-19 हो गया, ये जो आउटब्रेक हुआ तो इसमें हम लोग बहुत हमारा हेल्थ फेलियर और ये हेल्थ सिस्टम के बारे में, पूरा वर्ल्ड के हेल्थ सिस्टम के बारे में पता चल गया, वर्ल्ड की हेल्थ सिस्टम की धज्जियां उड़ गई, ऐसे कह सकते हैं चीजें कम पड़ने लगी थी, जरूरत के हिसाब से हम प्रिपेयर होने लगे, जबकि आपको पता है कि ये ऐसा ये होना नहीं चाहिए था, ये सब अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए थी। तो इसमें क्या है कि अवेयरनेस राइजिंग एक्टिविटीज जैसे कि यहाँ पे क्या होंगे, मेंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस हो सकते हैं, जैसे कि WHO हो गए, ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो कम्प्लीटली COVID-19 में फेल हो चुका था, इसका कोई फायदा ही नहीं रहा, इसने बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन पास किया जैसे कि आप जानते हैं। इसका काम क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि काम करेगा टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शियस डिजीज आउटब्रेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो कादंबुर आर जो कि रिसेंटली उनका डेथ हो गया फिर देहांत हो गया, वो किस फील्ड से आते हैं या आते थे, तो वो हो जाएगा पॉलिटिशियन AIADMK, जो एक पार्टी है
तमिलनाडु की, उसके लीडर थे। तो वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में, 1998 से 1999 के बीच के गवर्नमेंट में वो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे थे, और वो चार टाइम के एमपी थे, 84 में, 89 में, 91 में और 98 के लोकसभा इलेक्शन में एमपी बन के आए थे। तो उनका रिसेंटली हेल्थ इश्यू के वजह से तूतीकोरिन में देहांत हो गया है, और उनके लिए जो हमारे तमिलनाडु के सीएम है उसने उन्होंने कॉन्डोलेंसेस मैसेज भी पास किया, और वहाँ के और भी लीडर्स इसको पास किए हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कौन सा इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है कंट्री का, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अभी इससे रिलेटेड न्यूज क्या है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसी की है, आईसीआईसीआई की, तो उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ जो कि प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस सॉल्यूशन। अब इसका जो मेन एम है वो क्या करेगा, पेपरलेस सिक्योर और हैसल फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। देखिए एराइज कैसे होता है कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उसके लगभग 18 लाख कस्टमर्स हैं, उसके साथ 700 बैंकिंग टच पॉइंट्स और 13 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी में स्थित है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को बार बार आईसीआईसी के थ्रू तो नहीं जाना पड़ेगा ना, आईसीआईसीआई के थ्रू तो नहीं जाना पड़ेगा। अब वो कैसे जाएंगे, वो जाएंगे एयू बैंक के थ्रू और वहां पे अपना इंश्योरेंस अवेल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने अनाउंस किया कोलैबोरेशन विद गूगल एंड फास्टैग्स, किसके थ्रू ये अनाउंस हुआ है, किसके थ्रू अनाउंस हुआ है, तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुआ है ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ है। अब देखिए कि इसमें कोलैबोरेशन में क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है गूगल के साथ फास्टैग इशू करने के लिए, गूगल पे के साथ। ठीक है, अब करेंटली जो गूगल पे यूजर्स थे वो रिचार्ज कर पा रहे थे लेकिन परचेस नहीं कर पा रहे थे फास्टैग डायरेक्टली गूगल के ऐप से, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो अब ये न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हुआ है, जिसमें ये ऑर्डर भी कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, रिचार्ज कर पाएंगे थ्रू आईसीआईसीआई कोलैबोरेशन के थ्रू फास्टैग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि जनवरी 1 2021 से न्यू डेट जो रहेगा मैंडेटरी हो जाएगा व्हीकल्स पे फास्टैग लगाना। इसके साथ आपको बता दें कि ये सेकंड बना है, इसके पहले जो आपको बता दें और भी जगह मतलब कहाँ फास्टैग इशू होते, तो पेटीएम भी प्रोवाइड करता है फास्टैग आपको, उसके ऐप में आपको देख एक सेक्शन है वहाँ पे फास्टैग दिखाई देता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरिकार्डियन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो पेरिकार्डियन जो थे बहुत बड़े वेल नोन फैशन डिजाइनर थे जिनका रिसेंटली 98 के एज में देहांत हो गया, और एक फ्रेंच फैशन डिजाइनर थे, एक्चुअली वो इटालियन इमिग्रेंट थे जो फ्रांस आ गए थे, वो बहुत बड़े एक डिजाइनर के रूप में जाने जाते हैं, 98 के एज में देहांत हो गया। और कार्डिन जो थे उन्होंने क्या किया था, हाई जो फैशन एक्सेसिबल है टू मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने लाना शुरू कर दिया था। तो एक बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी है, और इनका डेथ है तो ऑबिट्रीज में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसे नॉमिनेट किया है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन जीएवी का बोर्ड मेंबर, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंट कर लिया गया जीएवीआई का बोर्ड मेंबर। अब जीएवीआई क्या है कि जो इंडिया वर्ल्ड की पुअर सबसे गरीब देश होते हैं जहाँ पे चिल्ड्रंस को वैक्सीन मिलना जैसे नामुमकिन के बराबर होता है, उसके ऊपर ये काम करती है ताकि हर वर्ल्ड के हर जगह, वर्ल्ड के हर कोने में जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं उनको वैक्सीन कैसे पहुंचाया जाए। ये जो बोर्ड है ये साल में 2 बार मिलता है, एक बार जून में मीटिंग करता है और एक बार नवंबर या दिसंबर में, और उसमें अपना रिपोर्ट सबमिट करता है कि कैसे कैसे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ये शामिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज फाउंडेड इन द ईयर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1998। अब देखिए कि यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशन मैनेजमेंट, जिसका नाम रखा गया डिजिटल ओशन। इसको डेवलप किया INCOIS। INCOIS क्या है, एक हैदराबाद बेस्ड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है, और इसको ये डेवलप किया। ये एक और भी एक स्टेप हम डिजिटल मिशन, जो डिजिटल इंडिया का जो मिशन है उसके आगे बढ़ रहे हैं और इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम ओशन को अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू डिजिटली। अब कैसे, ये हम लोग को डिजिटली एम्पावर करेगा सोसाइटी को और नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ाएगा। अगर ओशन का डाटा डिजिटली हमको मिलेगा तो इससे जो बहुत लोग के हेल्प होगा, और ये जो वाइड रेंज यूजर्स है कौन है, इंक्लूडिंग रिसर्च हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑपरेशनल एजेंसी हो गया, स्ट्रेटेजिक यूजर्स हो गया, एकेडमिक कम्युनिटी हो गया, मेरीटाइम इंडस्ट्री हो गया, पॉलिसी मेकर्स हो गया, और जनरल पब्लिक जितने लोग हो गए इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाटा सप्लाई करेगा। तो ये हम लोग का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था दोस्तों, जो कि बेस्ड था 31 दिसंबर पे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस न करना ना भूले, ताकि नए से नए जो वीडियोज आते हैं और इन्फॉर्मेशन आते हैं आपके तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ जीतू तिवारी।